के लोग सर पे उस तरफ कर मेरे आंखों जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहाँ होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालत है जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की, अरे अगर आप में नियत साफ होती रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अगर आरसपोरा के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फोतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कौल के लिए वोट डाला कश्मीरी मुसलमान ने, आपने दीपिकर के लिए वोट डाला, आपने पैलाल हुंडू के लिए वोट डाला कश्मीरी मुसलमानों ने, उनको एमएलए बनाया। आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए दो सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए एक करते, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहां रहे जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा उनके लिए एक करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया, इसको भी अपनी जेब में रखा ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहाँ तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। सही है ना? तो मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं हम पता नहीं क्या है, कहां से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल बारे में के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, LIC भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे, याद है आपको? उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, वो सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उस पर भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे, कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में, उसने तो नहीं कहा। She did not say that. नाकाम बना दिया, ये वो जमहूरियत थी। और जब इंदिरा जी नाकाम होगी उसके बाद मुरारजी देसाई आ गए, इंदिरा जी ने उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाए मुल्क में होता था, ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला, जिन मदरसों में तालीम होती उनको, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी वहां कोई सरकार आती है अपोनेंट को कुछ ना कुछ वो करती है। मगर यहां इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्याल आपकी जंग होती है, आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, CBI पे, NIA पे, तो फैसला या कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, उनपे फैसला डालते हैं। वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं,
आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है, बताइए। मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ गए। बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया, कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये रफाई का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है जो ये खर्च करते हैं एमएलए और एमपी को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूं यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाए मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। इसलिए अगर आज भी लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा, और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है, इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ, मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग कमजोर होते। कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को बना दी, मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का, उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टाइजमेंट याद नहीं आता। उसपे अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज तक एडवर्टाइज है कि नहीं? बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फोटो इनकी, वहां भी लगा के रखी, क्या करें, ये बड़ी मुसीबत। मेरे कहने का मकसद है जो मीडिया है, जो वॉचडॉग होता है, जिसका काम होता है नजर रखना, अन्ना हजारिया कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं था, आज भी मेन स्ट्रीम गायब। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति है ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम बिचारा, उनको ये क्या करेंगे, इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने, दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं, वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता जो वहां पर, वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। इसलिए मैं अपने वर्करों को, आपको मैं कहां से जबान लाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इन मुश्किल हालात में कश्मीर में तो सही, मगर जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा कि इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम, ने भी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ। अब मेरा ये है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा वो पूरे अपने इलाके की के काम कर सकता है। आपको पता है इस वक्त जो, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जो इन पदों पे बैठे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं। तो इसलिए आपको मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कश्मीर में तो ठीक है बंद कर दिया,
और जम्मू में भी ये हमारे साथ फाइटर बन गए हैं, इनको भी बंद कर दिया है, क्योंकि आपको समझना चाहिए किसी और पार्टी को बंद नहीं किया। ये पीडीपी से घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं, हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं। हमें किस बहाने, मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मतलब क्या करते जब कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ आज आए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिस तरह आपने पीडीपी का झंडा थामा है। लोगों में जाओ, जो पहले बातें कहीं खुल के करो उनको बोलो, एक तरफ से ये कहते हैं परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू परिवारवाद, इंदिरा गांधी परिवारवाद, राजीव गांधी परिवारवाद, दूसरी तरफ से बलात्कारवाद, उसमें चिन्मैया हो, कुलदीप सिंह हो, उसमें राम रहीम हो, उसमें जो इनका इस वक्त बेल पे घूम रहा है वो, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसने पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती की। तो लोगों को कहना चाहिए आप चुनो, आप नेहरू गांधी बजाय वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच।